Assalamu alaikum, my dear students. Hope aap sab theek hain, achhe se hain. And I am sure and I hope aap self-distance maintain kar rahe honge. So today, aaj hum tissues ke baare mein aapse kuch discuss karenge, aapko kuch bataenge tissues ke baare mein, jo aapka second unit hai, biology ka, 9th class ka. Kyunki tissues bahut hi important topic hai, bahut interesting topic hai. मैं आज आपको कुछ टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी, लेकिन टिश्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी सेल्स के बारे में, जो आपने अपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा होगा. सेल आर द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको सब पता ही है. मीन्स कि सेल वो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइफ का, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट लाइफ है, जिससे लाइफ ओरिजिनेट होती है. तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्चुअली इन्हीं सेल्स की वजह से बने हुए होते हैं, या इन्हीं सेल्स के बने हुए होते हैं. सो हम टिश्यूज़ को अगर डिफ़ाइन करेंगे, वी विल डिफाइन टिश्यूज़ एज ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेल्स. जब एक जगह पे बहुत सारी सेल्स मिल जाती है, वो एक टिश्यू बनाते हैं. बट क्वेश्चन हेयर इज़, मैंने अभी बात की ग्रुप ऑफ सेल्स, What type of cells will combine, है ना. ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल आ गया, लाइक आँख की सेल आ गई, नोज की सेल आ गई, हमारे हेयर की सेल आ गई, हमारे नेल की सेल आ गई, हार्ट की सेल आ गई, एक जगह बैठ गई और टिश्यू बना दिया. बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है. उनको हम टिश्यूज़ नहीं बोल सकते हैं. सो टिश्यू को डिफाइन करने के लिए हम ये बोलते हैं कि वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जो बिल्कुल एक जैसी है, स्ट्रक्चर मीन्स शेप उनका बिल्कुल एक जैसी है, जो फंक्शन, जिनका काम भी बिल्कुल एक जैसा हो, और जो एक ही जगह पे आई हो. एक ही जगह मीन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन, उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं. लाइक कि हम हार्ट की बात करेंगे, हार्ट में हम थोड़ा सा ग्रुप ऑफ सेल्स कलेक्ट करेंगे, हाथ पे रखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दैट विल बी अ टिश्यू, है ना, कॉमन ओरिजिन, एक ही जगह से. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही जगह का. तो मेरे बच्चों, जो टिश्यूज़ हैं, हम डिफाइन करते हैं टिश्यूज़ को अब कैसे, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन. सो क्लियर, आई होप आपको टिश्यू क्लियर हुआ होगा. अब हम बात करेंगे जो ये टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स के अलग से टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स के अलग से टिश्यूज़ होते हैं. प्लांट बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, एनिमल बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस हियर द प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में, कि प्लांट टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं. हम बात करेंगे जो ये प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, प्राइमरली they will be divided into two groups. In higher classes, आप फिर उसके मज़ीद पढ़ सकते हैं कि इसके क्या types हैं. But primarily here, plant tissues के दो types हैं, meristematic tissue है और है permanent tissue. चलो हम meristematic tissue की बात करेंगे. पहली बात very easy, और जो आपको बहुत अच्छे से समझ आए कि meristematic tissue क्या होता है. जो भी प्लांट टिश्यू में, जहाँ पे भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, वहाँ वहाँ पे उस प्लांट में ग्रोथ होगी उस प्लांट ऑर्गन की. दैट मीन्स मेरिस्टमैटिक नाम आपने सुना, आप कंसिडर करो दिमाग में, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. अब कहाँ कहाँ पे ग्रोथ होती है, किस किस ऑर्गन में इसकी वजह से ग्रोथ होती है, वी विल डिस्कस इट हेयर इनशाला. सो मेरिस्टमैटिक की बात अगर हम करेंगे, डिफाइन मेरिस्टमैटिक टिश्यू, हम क्या करेंगे डिफाइन इसको, कलेक्शन ऑफ लिविंग सेल्स विच आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर लोकेशंस पे, यहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती है. मीन्स कि जब भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू बन जाता है, उसी टाइम ये डिवाइड होना शुरू करता है, और उस प्लांट में न्यू सेल्स एड हो जाती है इस मेरिस्टमैटिक टिश्यू की वजह से. मैंने पहले ही बात की कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक प्लांट बॉडी में. ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है मेरे बच्चों, इसका क्या फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होता है इन इट स्टेट ऑफ डिवीजन.
इसमें बहुत पावर ऑफ डिविजन होता है. और ये किस लिए होता है, ये हेल्प करता है प्लांट में टू इंक्रीज द लेंथ एंड गर्थ और डायमीटर ऑफ अ प्लांट. मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करेंगे कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू की स्पेसिफिक फंक्शन या इनकी जो खासियत, सिंपल इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम ये बोलेंगे कि खासियत क्या है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज की. पहली बात, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होती है ये सारी सिमिलर होती है. इनका सबका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, बनावट जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, सिमिलर होती है. ये सेल्स एक दूसरे के साथ इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं कि उन सेल्स में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है. दे डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम. मीन्स कि वन सेल व्हेन इट कंबाइन्स विद अनदर सेल, जो दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो मेरिस्टमैटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है. और इन सेल्स में बहुत ही ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब अगर हम बात करेंगे ऑकरेंस की, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है. ये प्रेजेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिविजन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मल्टीप्लिकेशन. ये प्लांट बॉडी में पोजिशन के बेसिस पे भी प्रेजेंट होता है. और पहले हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू तीन जगह पे प्रेजेंट होता है. एक तो होते हैं, या हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स. त्रेन टाइप अति डिवाइड करान. ओके फाइन, तीन टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एपिकल मेरिस्टम की अगर बात करेंगे, आई होप कि आपको टिश्यूज अब अच्छे से समझ आया होगा टिश्यूज क्या होता है, उसके बाद कितने टाइप्स के टिश्यूज है, उसके बाद हम अब टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन. पोजिशन मीन्स कि प्लांट बॉडी पे इसका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, लोकेशन क्या है. अब हम पहले बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम की. ठीक फाइन, जो ये एपिकल मेरिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है पॉइंट्स पे. कहाँ कहाँ पे, किस किस पॉइंट पे. मींस कि जो स्टेम का टिप होता है और जो रूट का टिप होता है उस जगह पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है. एपिकल का मतलब ही है टॉप. टॉप मीन्स जब हम एक प्लांट को देखेंगे उसका टॉप जो है उस पे ये एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा. अब हम नीचे रूट की बात करेंगे, जो रूट का टॉप पोर्शन होगा जहां से रूट का डिवाइड होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, उसके टॉप पे जो एपिकल मेरिस्टम है मेरे बच्चों वहां पे प्रेजेंट होता है. अब क्योंकि ये टिप्स पे प्रेजेंट होता है, स्टम के टिप पे और रूट के टिप पे, इसकी क्या फंक्शन होगी, इसकी ये फंक्शन होगी कि ये प्लांट्स में उसकी लेंथ इंक्रीज करता है. क्योंकि जैसे टिप है ना, हमने पहले ही बात की मेरिस्टमैटिक टिश्यू किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर ग्रोथ. अब ग्रोथ क्या करता है, ये लेंथ में ग्रो करता है ना. प्लांट्स में एपिकल मेरिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ. फाइन, इसके एग्जाम्पल है रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. क्लियर फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लेटरल मेरिस्टम. ये जो मेरिस्टम होता है ये प्लांट में उसका डायमीटर इंक्रीज करता है. दैट मीन्स ये प्लांट में कहाँ होगा, साइड्स में प्रेजेंट होगा. क्योंकि ये प्लांट को डायमीटर देता है, इंक्रीज करता है इसकी विड्थ को, जिसको हम गर्थ भी बोलते हैं. ये रिस्पॉन्सिबल होगा इन इंक्रीज इन डायमीटर. सो ये साइड्स में प्रेजेंट होगा. ओके फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये बेस ऑफ द नोड. जब हम प्लांट शुगर केन की हम एग्जाम्पल लेंगे या हम मेज की एग्जाम्पल लेंगे, वहां वहां पे आप एक नोड्स देखते हो, अच्छे वन गंड ही तत्कुलिस
शुगर केन और उनको नोड्स बोलते हैं हम। और जो नोड्स में डिस्टेंस होती है ना, स्पेस होती है ना उन दो नोड्स में, उसको हम इंटर नोड्स बोलते हैं। और जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम, ये उन्हीं के बेसिस पे प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये बेसिस पे प्रेजेंट होता है और वो नोड्स पे लीफ अराइज होता है, लीफ ग्रो करता है, तो हम ये बोलेंगे कि इंटर कैलरी मेरिस्टम ये प्रेजेंट होता है एज द बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ लीफ एंड एट द बेस ऑफ इंटर नोड। तो ये रेस्पॉन्सिबल किस लिए होगा? ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटर नोड्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा पसंद आया होगा। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट मोटिव ऑफ दिस लेक्चर, दिस वर्चुअल क्लासेस, कि आप होप यू विल ट्राई बेस्ट टू अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।